जी आज न्यू एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट होगी और उसके अंदर साथ साथ ही आपको फार्मूले जो इसमें यूज़ किए जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर वो साथ साथ बताएंगे ताकि आपको फार्मूले भी साथ साथ याद होते जाएं और क्वेश्चन की भी समझ आती जाए। क्वेश्चन नंबर वन है, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, इफ ए प्लस बी इट्स इक्वल टू 10, ए प्लस बी की वैल्यू 10 दी है एंड ए मनफी बी इट्स इक्वल 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आपने फाइंड क्या करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसका मतलब है कि इसके रेलिवेंट फार्मूला हम मिडिल क्लास में तो वो पढ़ चुके हैं लेकिन नाइन्थ में इसको दोबारा आज रिपीट करेंगे। उसके लिए जरा देखिएगा आपने फाइंड क्या करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसके साथ मैंने क्या लिखा है 2। ये पूरा फार्मूला लिखने लगा हूँ साथ ही क्वेश्चन के अंदर से आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये फाइंड करना है, इसके साथ क्या लिखा है, फिर ए प्लस बी इसका होल स्केयर और बिटवीन प्लस और ए मनफी बी का होल स्केयर। ये फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल ए प्लस बी का स्केयर प्लस ए मनफी बी का स्केयर है। ये तब यूज किया जाता है जब आपको उसने ए प्लस बी दिया हो, ए मनफी बी दिया हो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करना हो, या तब भी हो सकता है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर दिया हो, वो गिवन है, ए मनफी बी दिया हो और कहे कि ए प्लस बी का लो, तब भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो फार्मूला उसी वक्त यूज किया जाता है कि अगर वो फार्मूले में तीन चीजें दो देता है और तीसरा फाइंड कर लेते हैं। इधर इसी तरह है, अब ये चीज उसने कहा था जी फाइंड करो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, इधर मैं 10 पुट कर दूंगा और ऊपर उसका क्या है बिटवीन प्लस, फिर आगे ए मनफी बी है और ए मनफी बी की वैल्यू 6 है और उसका 2 इंटू ए स्केयर प्लस 10 का स्केयर और 6 का, जो फाइंड करना वो वैसे का वैसे रहेगा, बाकी चीजें जो प्लस और मनफी हो रही है उनको प्लस और है माइनस कर दें, तो 100 प्लस 36 मिलकर कितना आ जाएगा 100। फाइंड क्या करना है, ए स्केयर प्लस है, ये 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा ए स्केयर प्लस है 1 डिवाइड 2, जरा 2 पे डिवाइड कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा, यही उसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में आगे सेकंड पार्ट भी दिया है और सेकंड पार्ट में जरा देखिएगा क्या लिखा है, उसमें लिखा है आपके पास कि इफ ए प्लस बी इट्स इक्वल टू 5, ए मनफी बी इट्स इक्वल टू 17 का, और फिर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब जरा चेक करें कि यहाँ पर भी 1 टाइम प्लस की वैल्यू दी हुई और 1 टाइम मनफी वाले की भी वैल्यू, ए प्लस बी 5 दिया, ए मनफी बी 17 दिया, तो इधर भी प्लस था और इधर माइनस, लेकिन उधर ए स्केयर प्लस लेकिन इधर क्या फाइंड करना है। तो इसी तरह का कुछ फार्मूला है लेकिन उसमें जो चेंज है वो 4 ए बी, ये भी मिडिल स्टैंडर्ड के अंदर है और आगे वही हमने लिखना है ए प्लस बी का स्केयर, उधर बिटवीन प्लस था और इधर बिटवीन माइनस है और ए मनफी बी का स्केयर। अब ये देखो ये वो फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, ए बी का फाइंड करना मौजूद है, ए प्लस बी भी दिया है मौजूद है, ए मनफी बी भी मौजूद है, ये है 4, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है और ऊपर उसका ए मनफी बी उसकी वैल्यू 17 का स्केयर, ये 17 का स्केयर क्यों भी समझ आ गई, यस सर। तो इसलिए आपको ये दोनों फार्मूले साथ साथ याद रखने पड़ेंगे, पिछले एक्सरसाइज में हमने 3 किए थे और 2 ये डालकर टोटल 5 हो गए। इस तरह जैसे जैसे फार्मूले साथ साथ होते जाएंगे आप लोग नंबरिंग भी देते रहे साथ साथ याद भी करते जाए, 4 ए बी 5 का स्केयर फॉर लाइक स्केयर रूट के साथ 17,
उधर प्लस हो रहा था, इधर 25 में 17 के बाकी। अब ए बी फाइंड करना, 4 मल्टीप्लाई का उधर जाकर क्या आ गया, ले जी इसका क्या आ गया आंसर, क्यों भी समझ आ गई। चलें सॉल्व करें।